नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुदेशक न्यूज में। नियमितीकरण का मुद्दा फिर उठा है विधान परिषद में। जी हाँ साथियों, एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। अनुदेशकों का नियमितीकरण मुद्दा फिर से हाईलाइट हो गया है। क्या है पूरा समाचार, शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगली सूचना श्री आशुतोष सिन्हा जी। मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान अनुदेशकों की समस्या की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में अनुदेशकों को मात्र 9000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जो कि कुशल श्रमिक के वेतन से भी कम है। क्योंकि वर्तमान समय की महंगाई में इतने कम वेतन में परिवार का भरण पोषण कर पाना असंभव है। उनका नियमितीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही अनुदेशकों को गृह ब्लॉक में तैनाती मिले। महिला अनुदेशकों को विवाह उपरांत स्थानांतरण की सुविधा प्राप्त हो तथा पूरे विद्यालय में बच्चों की संख्या मानक से कम होने पर केवल अनुदेशकों को ही जिम्मेदार मानते हुए उन पर कार्रवाई करने जैसे तानाशाही प्रावधानों को निरस्तीकरण अति आवश्यक है, ताकि अनुदेशकों का उत्पीड़न बंद हो सके। अतः जनहित में लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग करता हूँ। सदन को, सरकार को आवश्यक कार्रवाई संदर्भित करते हैं। देखा साथियों, अन्वेषण नियमितीकरण के लिए हर तरफ आवाज़ उठाई जा रही है अन्वेषकों की। अन्वेषक अपने संघर्ष के लिए लगातार प्रयासरत हैं और जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपनी बात को रख रहे हैं सरकार के समक्ष। साथियों, इसी तरीके की खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अन्वेषक न्यूज़ पर। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, अन्वेषक, शिक्षा मित्र आदि संविदा कर्मियों के समाचार से जुड़े हुए खबरों के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।